दोस्तों, कमर्शियल व्हीकल से प्राइवेट व्हीकल में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, प्राइवेट खबर आपको शो कर ये पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मैं उसमें बता चुका हूँ। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि कैसे कमर्शियल टू प्राइवेट कन्वर्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम जस्ट नॉर्मल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे और जो भी फॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो कमर्शियल को प्राइवेट में करने के लिए, उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। आप कॉपी पेन उठा के इसको राइट डाउन कर सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सीधा हम मोटिव पे आते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और फॉर्म कौन से हैं। आप राइट डाउन करते रहना कॉपी पर। तो सबसे पहले हमें जो आईडी प्रूफ और दो फोटोज हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद एनओसी ऑफ कैंसलाइजेशन परमिट होना चाहिए। तो फॉर्म्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको करना है कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जाके अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है। जो भी फॉर्म्स हैं, 3-4 फॉर्म्स लगते हैं दोस्तों, वो सारे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर ऊपर सेंड कर दूंगा, आप उसका प्रिंट निकलवा के आसानी से यूज़ में ले सकते हो। तो तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, फॉर्म नंबर 20 लगता है, जो भी री रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। जब परमिट कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद हमें री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं जो सारे फॉर्म्स का फॉर्मेट या PDF आपको दिखाऊंगा कि इस तरह का ये फॉर्म होता है, ऐसे आपको फिल करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखे स्किप ना। हमें फॉर्म नंबर 35 की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ये फॉर्म की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा व्हीकल फिनांस पे है या किसी लोन पे है, तो हमें NOC की ज़रूरत पड़ती है। और ये NOC जो फॉर्म नंबर 35 फिल करने के बाद हमें मिलता है। इसके बाद बात करें तो अपनी व्हीकल का जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए, बस दोस्तों ये डॉक्यूमेंट लगने हैं। और बाकी पूरा प्रोसेस अगर आपको देखना हो, प्राइवेट बटन पर एक वीडियो शो कर रही है जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कमर्शियल से प्राइवेट का स्टेप टू स्टेप आपको क्लियर किया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। ओके दोस्तों, जो इस टाइम आप देख रहे हो ये है फॉर्म नंबर 20। इसकी ज़रूरत तो सबसे पहले हमें ये पड़ती है कमर्शियल टू प्राइवेट कन्वर्ट करने के लिए। उनमें से कोई भी फॉर्म आपको चाहिए तो आप बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दें, मैं आपको ये व्हाट्सअप नंबर ऊपर सेंड कर दूँगा सारे फॉर्म। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म नंबर 35 की। दोस्तों, इस तरह का फॉर्म होता है 35 नंबर फॉर्म, और ये हमें फिल करके, इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, ये हमें फिल करके साथ फाइल के लगाना पड़ता है। और परमिट कैंसिल करवाने के लिए सबसे पहले हमें इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म ACC फॉर्म। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सरेंडर ऑफ परमिट एंड क्लीयरेंस सर्टिफिकेट। ये फॉर्म फिल करने के बाद जो कि हमें जो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगर कोई आपका डाउट है या कोई आपका सवाल है तो वीडियो में कमेंट कर दें, मैं हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।